वालेकुम, नमस्ते, श्री श्री काल दोस्तों एंड वणक्कम। ये है मैसूर पाक, जो नेक्स्ट वर्शन मैसूर पाक है, जो कि वेरी सॉफ्टी घी एंड बहुत ही डिलीशियस रहेगा। ये देखिए हाथ में कैसे टूट गया, बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए आप सीखेंगे ये मैसूर पाक हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स। वो क्या है, ये बेसन है, 1 कप लिया। आप मेजरमेंट्स अच्छे से देख लीजिए, 1 कप बेसन के लिए 2 कप, 1 कप घी और 1/2 कप तेल चाहिए हमें, ठीक है। साथ ही साथ 2 कप का शुगर बहुत ज़रूरी है, मीठा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, डालिए बहुत ही टेस्टी रहेगा। थोड़ा इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर पसंद नहीं तो मत डालिए, ये मैं बहुत खुशबूदार रहेगा, ये मैं इलायची डाल रही हूँ, वरना ये ऑप्शनल है, डालिए मैं, ठीक है। ये जो बैटर बनाने के बाद कंटेनर है, जिसमें मैं अभी डालूँगी पकने के बाद। हमें क्या करना है, 4 स्पून्स ऑफ घी डालकर बेसन को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये लम्स ना बने, इसको अच्छे से बराबर से हिलाइए और बेसन को भून लीजिए घी में। ये स्पेशल स्वीट है, साउथ इंडियन एंड वेरी टेस्टी मैसूर पाक, जो सख्त नहीं रहेगा, ये रहेगा वेरी सॉफ्ट। ये क्यों, ये नया वर्शन ऑफ मैसूर पाक है, तो हमें अभी ये हम लोग बना रहे हैं, तो सीख लीजिए। इस तरह देख रहे हैं ना, इसको अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि इसकी खुशबू कहे मैं पक गया। अभी इसको अलग से निकाल लीजिए और बहुत ठंडा कर इसको छन्नी मारेंगे। छन्नी इसलिए मारेंगे, ये हमें सॉफ्ट सॉफ्ट मैसूर पाक चाहिए, इसलिए इसको इस तरह छन्नी मार रही हूँ। ये गरम मत करिए, ठंडा होने के बाद ही छन्नी कीजिए, ठीक है। छन्नी कर अलग से निकाल लीजिए इस तरह। ये रहा हमारा 1 बॉल बेसन लिया था भुनने के लिए, वो 1 बॉल बेसन भुनने के बाद, छन्नी करने के बाद, अभी क्या करना है, शुगर, 2 कप शुगर लिया है, तो 2 कप शुगर में हम लोग डालेंगे 1/2 ग्लास वाटर डालकर इसको शीरा बनाएंगे। ये शीरे का प्रोसेस यहाँ बन रहा है, तो साथ ही साथ घी और तेल का मिक्सचर को भी हमें बराबर से गर्म करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, साथ ही साथ जाएंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ, इसलिए तेल घी दोनों अच्छे से गरम कर लीजिए। ये गरम हो रहा है, वहाँ शीरा पक रहा है साइमल्टेनियसली, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। घी डाल दिया, फिर ऑयल डाल दिया, अभी गरम कर रही हूँ उसको। कितने लोगों को मैसूर पाक पसंद है बोलिए, कमेंट कीजिए मुझे कि ये मैसूर पाक आपको पसंद आया कि नहीं। ये बहुत ईजीली बना सकते हो आप, बहुत इन्ग्रीडियंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसन लिया, घी लिया, शक्कर लिया, मैसूर पाक बना लिया, है ना। ये घी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह शीरा बन रहा है अभी हम लोग का। ये देखिए, शुगर को, सारा शुगर डिसॉल्व होना है, इसको अच्छे से स्टीर कीजिए, मिलाते रहिए, ताकि शुगर ये पूरा इसमें डिसॉल्व हो जाए और शीरे का प्रोसेस हमें कम्प्लीटली मिले। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी आप शीरा बनाते हो, बाउल को ना, जो कुकिंग बाउल है, जो शीरा बनाने का बाउल है, उसको थोड़ा गरम पानी डालकर, गरम करने के बाद विजल को अच्छे से धो लीजिए, तभी शीरा बनाइए, ठीक है। हम लोग शीरा स्वीट्स बनाने के लिए अलग से कंटेनर रखते हैं, फिर भी एक बार जब लोग हम स्वीट्स बनाते हैं ना, तो थोड़ा पानी डालकर उसको विजल को गरम कर पानी फेंक दीजिए, तभी शीरा बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये शीरा बना कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर आप हाथ में लोगे तो एक तार शीरा आना ज़रूरी है, देख रहे हैं ना, अभी नहीं आया है हम लोगों को, और इसको पकाना है। बच्चे तो बहुत पसंद करके खाएंगे, बस छोड़ेंगे नहीं, खाते रहेंगे। मैसूर पाक, मैसूर पाक, MRP मैसूर पाक, है ना, MRP मैसूर पाक बनाइए और बच्चों को अच्छे से खिलाइए। ये देखें और पक रहा है ये, जब तक हमें एक तार का शीरा आना बहुत ज़रूरी है, देख रहे हैं ना, इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। और फ्रेंड्स, आप
और कौन कौन से स्वीट्स खाना पसंद करोगे मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं बना सकूं MRP चैनल पे और आपको सिखा भी सकूं कि कैसे बनाना है। तो जस्ट मुझे कमेंट कीजिए कौन सा स्वीट आप खाना पसंद करोगे, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक कीजिए। देख रहे हैं ना, ये एक तार का सिरप है, हो गया। अभी क्या करना है, फटाफट हम लोग बेसन जो भुने हुए हैं वो आटा इसमें डालकर अच्छे से मिला लीजिए। देख रहे हैं ना, बराबर से मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना लम्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर लम्स फॉर्म हो गए तो सॉफ्ट सॉफ्ट मैसूर पाक नहीं बनेगा। तो हम लोगों को अच्छे से इसको स्टेयर करना है, घुमाना है, अच्छे से मिलाना है। ये घूम घूम कर अच्छे से पेस्ट फॉर्म पे इस तरह लाने के बाद अभी क्या करना है, घी और तेल का मिक्सचर जो बराबर से गर्म हो रहा है बाजू में, वो इसको डालना है। इसमें डालकर अच्छे से मिला लीजिए। देख रहे हैं ना आप, कितना सॉफ्टी सॉफ्टी ये बैटर बन गया है, सुपर सॉफ्ट। अभी घी डाल दीजिए इसमें, गरम गरम घी डालकर मिला लेंगे इसको इस तरह। देख रहे हैं ना, बबल्स बबल्स फॉर्म हो रहा है। इसका इस तरह मिलाना और थोड़ा थोड़ा घी और तेल का मिक्सचर डालना, मैसूर पाक का खासियत है। और ये साउथ इंडियन स्वीट डिश सभी को पसंद आएगा। इस तरह बनाने के बाद ज़्यादा मत पकाइए, जस्ट फटाफट इसको निकाल कर जो हम लोगों ने कंटेनर लिया है जिसमें घी लगा कर रखा है उसमें निकाल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मत पकाइए, बस डालते ही 2 मिनट के लिए पकाइए बस। बनाने के बाद हम लोग अलग से कंटेनर में निकाल लेंगे। ये ग्रीस किया हुआ कंटेनर है घी के साथ, अच्छे से ग्रीस कर लिया मैंने और ये जो बैटर पका है वो इसमें डाल रही हूँ। देख रहे ना, ये ठंडा करना है एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स लगेंगे ये अच्छे से ठंडे होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही आप पीसेस में कट कीजिए। इस तरह कट कर हम लोग मैसूर पाक बना लेंगे। ठीक है ना, इस तरह कट कर लीजिए। आप जिस शेप में चाहिए आप उसमें भी कट कर सकते हो, लेकिन मैसूर पाक के शेप में ही इस तरह बहुत 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 टेस्टी रहेगा, है ना। देख रहे ना, सॉफ्ट एंड टेस्टी मैसूर पाक रेडी। कैसे लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। वाओ, ये रहा MRP मैसूर पाक। साइनिंग ऑफ MRP।